मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। मित्रों, ऋषि पंचमी व्रत की कथा भविष्य पुराण के अनुसार विदर्भ देश में एक उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पति व्रता पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उत्तक के परिवार में एक पुत्र और पुत्री भी थे। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई और उत्तक की पुत्री वापस मायके लौट आई। एक दिन विधवा पुत्री अकेले सो रही थी, तभी उनकी माँ देखती है कि पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी कन्या की यह दशा देखकर सुशीला व्यथित हो गई और वह अपने पति के पास पुत्री को लेकर गई और बोली, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति कैसे हुई? उत्तक ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद पूर्व जन्म के बारे में देखा कि उसकी पुत्री पहले भी ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन राजस्वला के दौरान ब्राह्मण की पुत्री ने पूजा के बर्तन छू लिए और इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया, जिसकी वजह से इस जन्म में कीड़े पड़े हैं। फिर पिता के कहे अनुसार विधवा पुत्री ने इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पंचमी का व्रत किया और इस कारण से उसे अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई।